आज हम जिस सब्जेक्ट को कवर करने जा रहे हैं वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी एग्जाम और यूजीसी नेट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इससे इंटरव्यू में भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो आज हम टॉपिक कवर करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, नीड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना होता है, सॉफ्टवेयर और इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स और एग्जीक्यूटेबल कोड दैट इज यूज्ड फॉर डेडिकेटेड पर्पस विच कंसिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड लाइब्रेरीज। सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेसिकली कलेक्शन होता है प्रोग्राम्स का, एग्जीक्यूटेबल कोड का, जिसका एक डेडिकेटेड पर्पस होता है परफॉर्म करने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एडोबी रीडर होता है पीसी में, तो उसका काम क्या होता है, वो पीडीएफ बनाने के काम आता है, डॉक्यूमेंट फाइल बनाने के काम आता है। तो उसी तरह सॉफ्टवेयर भी हमारे जो होते हैं उनका एक डेडिकेटेड पर्पस होता है। इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग क्या होता है, बेसिकली डेवलपिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल और मेथड। इंजीनियरिंग क्या है, प्रोडक्ट को डेवलप करना। हम कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, पहले हम यूजर से रिक्वायरमेंट लेते हैं, फिर उस रिक्वायरमेंट से हमने डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इंजीनियरिंग कहलाती है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच होती है इंजीनियरिंग में जो बेसिकली हम जिससे हम डील करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। हम सॉफ्टवेयर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, यूजिंग साइंटिफिक मैथड टेक्निक एंड प्रिंसिपल। एम्स क्या क्या होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, अगर हम एम्स की बात करते हैं तो सबसे पहला एम जो होता है वो होता है सेटिस्फाई करना यूज़र के नीड को, यूज़र से रिक्वायरमेंट लेना और उनके नीड को फुलफ़िल करना है, सबसे पहला एम जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है। फिर दूसरा एम जो होता है वो होता है प्रोडक्ट प्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ फ्री फ्रॉम फॉल्ट, ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना जिसमें फॉल्ट और एरर ना हो जब यूज़र उसे यूज़ कर रहा हो। तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो उसका डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन इतना हार्ड ना हो, मैन पावर का ज़्यादा यूज़ ना हो जिससे वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें, मिनिमम बजट में हमारा सॉफ्टवेयर हो। नीड क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड की बात करें तो क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, हम बेटर सिस्टमेटिक प्रोसेस को यूज़ करेंगे जिससे हम क्वालिटी एंड प्रोडक्ट जो हमारा हो, जो क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिले हमें, एंड प्रोडक्ट में हमें क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिले। डायनेमिक नेचर का हो, डायनेमिक नेचर से हमारा मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हमारा जो जो यूज़र है उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर हो वो भी अपग्रेडेबल हो, जैसे जैसे चेंजेस हो यूज़र की तरफ से उस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर भी चेंज होता जाए। तो द सॉफ्टवेयर शुड बी ऑफ डायनेमिक नेचर एज द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र चेंजेस रैपिडली। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहले हम विंडो 7 यूज़ करते थे, फिर धीरे धीरे विंडो 8, फिर विंडो 10, विंडो 11, तो इस तरीके से हमारा रैपिड चेंज आया, यूज़र की रिक्वायरमेंट बढ़ी और चेंज आता गया। नेक्स्ट थिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव, हमने ये पढ़ा ही है कि कॉस्ट, हमारा जो सॉफ्टवेयर होना चाहिए वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए और स्केलेबल भी होना चाहिए। स्केलेबल से हमारा मतलब ये है कि जो भी एग्जिस्टेंस हमारा सॉफ्टवेयर है वो जब नई चीज़ें उसमें ली जाएँ तो वो उस चीज़ों को अडॉप्ट कर सके। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है, ये रिड्यूस करता है कॉम्प्लेक्सिटी को। कैसे रिड्यूस करता है, जब हम बिग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें हमें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हमें क्या होगा कि वो कन्वर्ट कर देता है बिग प्रॉब्लम्स को स्मॉल में, जिसके कारण हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे वन बाय वन, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो हमारा प्रॉब्लम जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है टू मिनिमाइज द सॉफ्टवेयर कॉस्ट। एज वी नो दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो जिससे हमारा डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन जो होगा, मैन पावर जो होगा वो यूज़ कम होगा, जिसके कारण उसका कॉस्ट जो होगा वो मिनिमम होगा। थर्ड पॉइंट, ये डिक्रीज करेगा टाइम को भी। यस, हम पहले ही यूज़र से रिक्वायरमेंट ले चुके होंगे तो हमें बार बार यूज़र रिक्वायरमेंट भी नहीं लेना पड़ेगा, जिसके कारण हमारा टाइम सेव होगा, तो ये हमारे टाइम को भी डिक्रीज़ करेगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू हैंडल अ बिग प्रोजेक्ट।